नमस्कार दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे मैं प्रखर श्रीवास्तव आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे चैनल गुरु घंटाल में दोस्तों सबसे पहले आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं जैसा कि आप हर कोई जानते हैं कि 14 मार्च 2019 यानी कल से 4 मार्च 2019 तक महाशिवरात्रि तक प्रयाग में कुंभ लग रहा है और कुंभ में शाही स्नान का अपना एक अलग ही महत्व होता है कई बार ऐसा होता है कि शाही स्नान को दो अखाड़े के जो दल होते हैं या दो अखाड़े के जो साधु होते हैं उनमें खून खच्चड़ खो जाता है तो हमारे देश की जो प्रशासन गए स्पेशली आपकी जो राज्य की प्रशासन है वो इसके लिए बहुत ज्यादा उनके हाथ पर ठंडे पड़े रहते हैं जब तक ये शाही स्नान ना हो जाए क्योंकि दोस्तों माना यह जाता है कि अगर शाही स्नान के दौरान आप नागा साधुओं के रास्ते में आ गए तो वो आपको कुचलते हुए निकल जाएंगे इसीलिए पुलिस पहले आपका नागा साधु स्नान करती है उस वक्त पुलिस बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देती है सारे रास्ते खाली कर दिए जाते हैं देन आफ्टर उनके स्नान के बाद आपका आम जनता स्नान करती है तो क्या कारण है क्या पौराणिक कथा है क्या हिस्टोरिकल फैक्ट है इस शाही स्नान के पीछे क्या महत्व है आइए जानते हैं उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए भस्मना स्नान सलिलेत तु वारुणम दोस्तों हमारे शास्त्रों में स्नान को चार कैटेगरी में रखा गया है भस्म स्नान जल स्नान मंत्र स्नान एवं गोरज स्नान मनुस्मृति जिसको कि हमारा पहला ग्रंथ माना जाता है उसके अनुसार भस्म स्नान को अग्नि स्नान जल से स्नान करने को वरुण स्नान आपोहिष्टादी मंत्रों द्वारा किए गए स्नान को ब्रह्म स्नान तथा गोधली गोधली होती है दोस्तों जो गाय धूल उड़ाती है उसके द्वारा किए गए स्नान को हम वैव्य स्नान कहा जाता है लोग यूजली स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करते हैं ताकि उनका मन शांत रहे तो साधारण से स्नान से अगर हमारे जिंदगी में इतना परिवर्तन आ सकता है तो आप समझ सकते होंगे कि जो कुंभ में शाही स्नान होता है उसका कितना महत्व होता होगा आगे आप जानते हैं कि ये जो शाही स्नान है ये कब से शुरू हुआ इसकी शुरुआत कब से हुई सदियों से स्नान चला आ रहा है जिसमें तेरह अखाड़े शामिल होते हैं मगर इस बार एक अखाड़ा और जुड़ गया है किन्नर अखाड़ा ये कोई वैदिक परंपरा नहीं है माना जाता है कि इसकी शुरुआत चौदवी से लेकर सोलहवीं सदी के बीच हुई जब हमारे देश में आपका मुगल शासन करते थे धर्म और परंपरा को मुगल आक्रंताओं से बचाने के लिए हिंदू शासकों ने अखाड़े के साधुओं और खासकर नागा साधुओं से मदद ली क्योंकि तो अखाड़ो अखाड़े क्या होते हैं अखाड़े वो होते हैं जिनके जो साधु होते हैं वो शस्त्र विद्या में भी पारंगत होते हैं इनके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका छोड़ दूंगा वीडियो के नीचे तो मुगल शासकों की आतंक से बचने के लिए जो हिंदू शासक थे उन्होंने आपका साधुओं से मदद मांगी नागा साधुओं से आपकी मदद मांगी नागा साधु धीरे धीरे आक्रमक होने लगे और धर्म को राष्ट्र से ऊपर देखने लगे ऐसे में शासकों ने नागा साधुओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर राष्ट्र और धर्म के झंडे और साधुओं और शासकों से काम का बंटवारा किया साधु खुद को खास महसूस कर सके इसके लिए कुंभ स्नान का सबसे पहला लाभ उन्हें देने की व्यवस्था हुई इसमें साधुओं का वैभव राजाओं जैसा होता था जिसकी वजह से इसे शाही स्नान कहा गया इसके बाद से शाही स्नान की परंपरा चली आ रही है हमारे देश में तो ये कोई दोस्तों हमारे शास्त्रों में कहीं शाही स्नान का कोई महत्व नहीं है मगर हिस्टोरिकल जो फैक्ट है वो ये है कि नागा साधुओं को भी एक अपॉर्चुनिटी मतलब कि उनकी जो आ, आ, वो जो गया, वो जो प्रतिनिधि है उनका वो थोड़ा ऊपर रहे इस कारण से इन्हें शाही स्नान करने का पहला अवसर दिया जाता है वक्त के साथ शाही स्नान को लेकर विभिन्न अखाड़ों में संघर्ष होने लगा क्योंकि आप जानते हैं तेरह अखाड़े हैं फिर ये डिसाइड करने में मुश्किल होने लगी कि पहले कौन सा अखाड़ा शाही स्नान करेगा साधु इससे अपना सम्मान से जोड़ने लगे मतलब कि जो पहले स्नान करेगा उसका सम्मान ज्यादा है तो भैया हर किसी को सम्मान चाहिए और फिर आपका खून खच्चड़ होने लगा अखाड़ों के बीच उल्लेख मिलता है कि साल 1310 में महानिर्वाणी अखाड़े और रामानंद वैष्णव अखाड़े के बीच खूनी संघर्ष हुआ दोनों ओर से हथियार निकल गए और पूरी नदी ने खूनी रंग ले लिया साल 1760 में शैब और वैष्णवों के बीच स्नान को लेकर ठन गई। ब्रिटिश इंडिया में स्नान के लिए विभिन्न अखाड़ों का एक क्रम तय हुआ अब जो अब तक चलता चला आ रहा है मतलब ब्रिटिशरों ब्रिटिशों ने ये डिसाइड किया कि पहले कौन सा खाड़ा नहाएगा बाद में कौन सा खाड़ा नहाएगा क्योंकि अगर ये डिसाइड नहीं होता तो ये खूना खच्छड़ कभी थमता नहीं इसीलिए जब भी नागा साधु नहा है तो पूरी पब्लिक को अलग कर दिया जाता है पुलिस वालों की भी सांस उखड़ी रहती है वो ना शासन की सुनेंगे ना प्रशासन की सुनेंगे साझी स्नान उनके इज्जत पे बात आ जाती है इसीलिए इस स्नान का इतना महत्व है अब ये देखते हैं कि शाही स्नान में क्या क्या होता है इसमें विभिन्न अखाड़ों से ताल्लुक रखने वाले साधु संत सोने चांदी की पालकियों हाथी घोड़ों पर बैठकर स्नान के लिए पहुंचते हैं सब अपनी अपनी शक्ति और वैभव का प्रदर्शन करते हैं इसे राजयोग स्नान भी कहा जाता है जिसमें साधु और उनके अनुयायी पवित्र नदी में तय वक्त पर डुबकी लगाते हैं माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में डुबकी लगाने से अमरता का वरदान मिलता है यही वजह है कि यह कुंभ मेले का अहम हिस्सा है और ये काफी सुर्खियों में रहता है शाही स्नान के बाद ही आम लोगों को नदी में डुबकी लगाने की इजाजत होती है तो दोस्तों इसीलिए शाही स्नान का अपना एक अलग ही महत्व है और दोस्तों ये है आठ इंपॉर्टेंट तारीख जिस दिन आपके शाही स्नान होंगे इसके ऊपर ही मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा मकर संक्रांति पौष पूर्णिमा पौष एकादशी मौनी अमावस्या बसंत पंचमी माघी एकादशी माघी पूर्णिमा और आखिरी जो शाही स्नान होगा वो महाशिवरात्रि चार मार्च को होगा सो so, उम्मीद है दोस्तों अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शाही शाहिस्तान का महत्व क्या है और ये क्यों होता है सो so, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि तो जब फैमिली बढ़ेगी तो आपका और एप्रिसिएशन मिलता है और अच्छा काम करने के लिए सो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक हर हर महादेव हैप्पी मकर संक्रांति